वेलकम बैक। आप देख रहे सवाल भारत का और हम चर्चा कर रहे हैं कि महाबलीपुरम में शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी का जो एजेंडा लेस अनौपचारिक जो मुलाकात है उसका एजेंडा क्या होगा। मेरे साथ मेजर जनरल एके चतुर्वेदी जुड़े हुए, रक्षा विशेषज्ञ। जनरल चतुर्वेदी, ऐसे परिप्रेक्ष्य में जब लगातार हम पीओके की बात कर रहे हैं, कई दिनों से हम पीओके को लेकर बात कर रहे हैं, बयान सुन रहे हैं, महाबलीपुरम में मोदी और शी के बीच सीपेक को लेकर किस तरह की बात हो सकती है, पीओके के मुद्दे को भारत कैसे चीन के साथ डिस्कस करेगा? देखिए, मेरा अपना मानना है कि चाइना का हमेशा ये कोशिश रहती है कि इंडिया पाकिस्तान को हाइफनेट करे, तो वो चाइना ज़रूर शायद रेस कर सकता है कश्मीर इशू। इंडिया ने इसको क्लियर कर दिया कि कश्मीर पे बातचीत नहीं होगी क्योंकि ये हमारा इंटरनल मैटर है। Absolutely. और हम उन बातों पे बात करना चाहेंगे जो जो हमारे और चाइना के बीच की बातें हैं। इसमें दो तीन चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर वन, कश्मीर तो इंडिया की तरफ से नहीं होगा। चाइना अगर रेस करता है तो इंडिया उसमें उनका पॉइंट बताएगा कि अगर आप हमारे ह्यूमन राइट्स की बात करते हो तो अपने भी आप बात कर लो। और ये क्योंकि इनफॉर्मल है, उसमें ये भी हो सकता है कि जो हांगकांग में हो रहा है, जो टिबेट में हो रहा है, जो जिनजियांग में हो रहा है, वो भी इशूज़ हैं। चाइना को भी अपने गरेबाम में झांकना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है उनके लिए। नंबर टू, जो उनको जो ध्यान उनकी ऑल वल्नरेबिलिटी जो हैं वो इससे निकल के आ रही हैं कि जो यूएस चाइना ट्रेड वॉर है ये एक उनके उनको काफ़ी अनकंफर्टेबल कर रहा है। तो ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अभी तक वियतनाम ने तो फ़ायदा उठाया है लेकिन उसका फ़ायदा हमको नहीं मिला है। लेकिन शायद चाइना इज लुकिंग टूवर्ड्स इंडिया टू इंक्रीज इट्स ट्रेड। लेकिन उस स्थिति में हमको ये करना है कि जो 89 बिलियन डॉलर्स का हमारा उनका ट्रेड है वो बहुत ही एस्क्यूड है। आज की तारीख में से 15 बिलियन डॉलर हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है और बाकी उनके यहाँ से हम इम्पोर्ट करते हैं। तो ये एक इश्यू, बहुत मेजर इश्यू होगी जो इंडिया डिस्कस करना चाहेगा। नंबर टू, इंडिया डेफिनेटली चाहेगा कि अफगानिस्तान में जो जॉइंट वेंचर की पिछली बार बात हुई है, क्योंकि वुहान में जो बातें हुई अवधेश जी ने अभी बताया, लेकिन उनमें से एक भी कल्मिनेशन पे नहीं पहुंचे, उस पर कुछ नहीं हुआ। साझा विचार विचार कुछ नहीं हुआ। हर चीज पे चाइना का एक अपना विचार है, वो इंडिया के विचार के खिलाफ होता है। मैं आपके पास आती हूं, लेकिन आपने एक बहुत अहम पॉइंट उठाया, डी हाइफनेटिंग भारत और पाकिस्तान के साथ चीन के जो रिश्ते हैं। अवधेश जी, क्या ये संभव है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा एलाय चीन, हमेशा सीपेक वहां वो बना रहे हैं, तो ऐसे में भारत और पाकिस्तान के साथ रिश्तों को कैसे डिहाइफनेट करेगा? या हमें इसकी क्या उम्मीद या अपेक्षा रखनी चाहिए? इज दैट पॉसिबल? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि चीन पाकिस्तान को लेकर के चीन से किसी प्रकार की नरमी या कंसेशन की हमको उम्मीद करनी चाहिए। ये बिल्कुल अव्यवहारिक होगा। जितना पैसा उसने सीपेक में लगा दिया है चीन, अब उसके सामने समस्या है कि भारत में एक ऐसी सरकार आ गई है जिसने एक दिन में कश्मीर की स्थिति को बदल दिया। तो चीन में ही ये बात आप अगर बीच के चाइना डेली या पीपुल्स डेली या उसका ग्लोबल टाइम्स के अगर आप कुछ टिप्पणी पर है तो उसमें विद्वान वहां के लिख रहे हैं कि इसके बाद वहां के अपने के अंदर की स्थिति को ठीक करने के बाद ये सरकार आगे पीओके की ओर बढ़ेगी और फिर पाकिस्तान के साथ जो तनाव है उसको भी दूर करने पर ये कोशिश करेगी। तो जब चाइना में ये भाव बिल्कुल फैला हुआ है कि ये पहले वाली सरकार नहीं है कि हम केवल कह के कि हम एशिया की महाशक्ति बनेंगे और दोनों को मिलकर चलना है, विचार करना है, उतने से मान जाएगा। तभी तो नरेंद्र मोदी ने पिछली बार अफगानिस्तान में साझा काम करने का पर सहमति बनवाई थी वहां। तो इस समय जो आ रहा है, मैं चतुर्वेदी जी के बाकी बात से सहमत हूं लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं कि आज का ये बदला हुआ भारत और कश्मीर पर उनसे बात नहीं करेगा। हमारे अंदर जो कश्मीर है उस पर हम बात नहीं करेंगे लेकिन हम पीओके को और बात करेंगे। उनको जो सक्षम वैली मिला हुआ है 5180 किलोमीटर उस पर बात करेंगे। 38,000 वर्ग किलोमीटर जो उन्होंने लिया हुआ है उस पर भी करेंगे। ऐसे तो नहीं हो सकता है क्योंकि उनको अगर दबाव में लाना है तो हमको स्ट्रेटेजिकली ये चीजें उठानी ही पड़ेगी ताकि हम जो हमेशा दबाव में हमेशा रहे हैं। अभी तक चीन की रणनीति ये रही है कि सीमा विवाद पर जब हम मध्य और पश्चिम क्षेत्र की बात करते थे तो वो कहते थे कि इसमें एक तीसरी पार्टी भी है, वो पाकिस्तान है, इसलिए इस पर हम बात नहीं करेंगे। तो आप जो है अगर तो अब तो हमने यहां कर लिया है, अब वो उनके सामने समस्या जो है लद्दाख की ओर की है। तो इसीलिए ये एक इतना बड़ा इशू है
कि न तो चीन पीछे हटने वाला है और भारत नहीं, लेकिन भारत की कोशिश यह है हाँ। कि अब हमको मनोवैज्ञानिक दबाव में रहने की जगह हमको भी चीन को मनोवैज्ञानिक दबाव में लाना है। एक तो यह बात है, दूसरी यह है कि यूएस चाइना का, भारत और चीन का जो ट्रेड है, जैसा चतुर्वेदी जी ने बिल्कुल ठीक बताया है, ये माने कि 65-66 अरब डॉलर का हमको घाटा हो रहा है, तो उस व्यापार को लेकर हम चाटेंगे क्या इस समय कि हमारा व्यापारिक संबंध बना रहे, उससे तो चीन को लाभ है। हमारे लिए तो तब है जो हमारे जो चीजें हैं वहां उस पर कम से कम टैक्स लगे, वहां खुले वातावरण में उसको मौका मिले जो चीन नहीं करता है। लेकिन पाकिस्तान के इशू पर देखिए, पाकिस्तान के साथ चीन रहेगा ये ध्यान रखते हुए ही हमको अपनी स्ट्रेटेजी आगे बनानी है। अभी चीन के साथ हमारे कई स्तरों पर तनाव है। देखिए पहला तनाव है एनएसजी को लेकर के। पहले एक पॉइंट पहले मनन द्विवेदी, ये जो पीओके की हम बात कर रहे हैं, क्या पीओके पर हम बात करेंगे चीन से, क्या आपके एनालिसिस क्या है, डिप्लोमेटिक सर्कल्स में क्या बात हो रही है? हालांकि कोई एजेंडा नहीं है तय इस बैठक का, मेरी पूरे मुद्दे पे यही सोच है कि सरकार की ऐसी पॉलिसी प्रतीत होती है एट प्रेजेंट, ऐसी कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये पॉलिसी प्रतीत होती है कि पीओके पे बातचीत की जाएगी। और जहाँ तक बातचीत आगे लोग कर रहे हैं कि अक्साई चीन पे बातचीत की जाएगी और बाकी जो हमारे एरियाज़ को उन्होंने इलीगली रखा हुआ है अपने पास में उस पर बातचीत की जाएगी। तो बॉर्डर जो हमारा इंडिया और चाइना का बॉर्डर है करीब 4400 वो किलोमीटर का बॉर्डर है और तीन सेक्टर में पूरे का पूरा बॉर्डर डिवाइडेड है, जैसे कि ईस्टर्न सेक्टर जिसमें अरुणाचल प्रदेश आया, फिर मिडिल सेक्टर और फिर वेस्टर्न सेक्टर। तो इनमें हमारे बीच कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की जो टॉक होती थी और जो अभी भी होती है बॉर्डर इश्यूज को, उनको फिर से शुरू करना चाहिए। और जो बॉर्डर टॉक्स हैं, बॉर्डर प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करना चाहिए। और समिट्री से इतना फायदा हमको अभी नहीं हो रहा है, पर फिर भी मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि पीओके पे बातचीत नहीं होनी चाहिए, कोई मीडिएशन। अगर मोदी जी का हम ओरिजिनल स्टैंड देखें 2-3 महीने पुराना, तो उसमें हम ये पाएंगे कि पीओके हमारा मुद्दा है पर हमारा बायलैटरल मुद्दा है शायद पाकिस्तान के साथ, तो उसमें पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर डाला जा रहा है, ट्रंप सरकार भी प्रेशर डालनी चाहिए जो कि वो लोग नहीं डाल रहे हैं। तो एक तरीके से ये हम लोग ये कहते हैं कि जियो इकोनॉमिक्स का ज़माना है और कन्वर्जेंस का ज़माना है, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, और ट्रेड हमारा जो 21st सेंचुरी स्टार्ट हुई तो हमारा ट्रेड $3 बिलियन था और अभी ट्रेड बढ़ के $100 बिलियन के आसपास हो गया है। और साउथ एशिया में और बाकी हम जो ट्रेड पार्टनरशिप में बोलें, दोनों एक दूसरे के काफ़ी बड़े पार्टनर्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, मतलब बायलैटरल ट्रेड में। पर इसके अलावा भी हमको ये बात कहनी पड़ेगी कि जो पुरानी अल्फ्रेड महान और पुराने जो जियो स्ट्रेटेजिस्ट हुए हैं, उन्होंने ये बात बोली है कि टेरिटोरियलिटी और लैंड और पावर, इन चीज़ों को भी हम लोग गॉन नहीं साबित कर सकते, और उसके चलते ये हमारे फॉरेन पॉलिसी का, हमारे प्राइड के और हमारे प्रेस्टीज का छोटा करण होगा अगर हम पीओके पे बातचीत चाइना से करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ थोड़ा सरकार और मेरे विचार थोड़े भांति-भांति नहीं है। जनरल चतुर्वेदी वांट्स टू रिएक्ट, जनरल चतुर्वेदी प्लीज आइए। देखिए आप मेरी बात को नहीं समझे, मैं एक दूसरी बात ही कहना चाहता था कि ये इंडिया जो है, इंडिया कहता है कि कश्मीर हमारा जो अभिन्न अंग है, तो उसमें अगर हम चाइना से बात करने लगेंगे, चाइना से सक्सगाम वैली की बात जो अवधेश जी ने बोला हो सकती है, लेकिन वो आई थिंक इट इज टू प्रीमेच्योर। लेकिन जहां तक पीओके की बात है, इंडिया अपनी तरफ से कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि चाइना से अगर हम कोशिश करेंगे इसका मतलब हम उन चाइना से इसके बारे में बात कर रहे हैं जो बिल्कुल हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है ही नहीं। पॉलिसी जो ये सिर्फ हमारा बायलैटरल इशू है, उन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है पाकिस्तान ने, उनको वहां से हटना पड़ेगा। जहां तक इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि पॉइंट ऑफ कॉमन कन्वर्जेंस अगर हमको ढूंढने हैं, तो एफ दो अफगानिस्तान में ज्वाइंट वेंचर्स की बात करनी पड़ेगी, ट्रेड इन्हेंसमेंट की बात करनी पड़ेगी, जो एडवर्स ट्रेड है उसके बारे में बात होगी, और जो अगर इसके बारे में जो बात करना होगा
वो सिर्फ ये होगा कि एनएसजी के ऊपर हम उनकी मदद कैसे, वो हमारी क्यों, हम अपने पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट कैसे नैरो डाउन कर सकते हैं, लेकिन वो तो क्योंकि पाकिस्तान ने इस पूरे उस पे दिखा दिया जो चाइना हमेशा ये कहता था, एनएसजी हो किसी टेररिस्ट को अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित जी, आप वही वही मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तक वो ये कहते थे कि पाकिस्तान और चाइना इंडिया को हाइफनेट, चाइना हमेशा पाकिस्तान इंडिया को हाइफनेट करने की कोशिश करेगा। हम ये उनको, मेरे ख्याल में मोदी जी ये बताने का प्रयास करेंगे कि आप देखिए न्यूक्लियर की वो बार बार धमकी देने लगते हैं तो वो तो रिस्पॉन्सिबल नेशन नहीं है, जबकि हम लोग जो है सिर्फ पीसफुल की बात कर रहे हैं। हाँ। दूसरा, दहशतगर्दी अगर आज हमको इफेक्ट कर रही है तो कल जिनशियांग में उनको भी इफेक्ट करेगी, कर ही रही तो है उनको, इसलिए इतना आसान नहीं है। और इंडिया का तिब्बत में भी इन्फ्लुएंस है, तो इंडिया का इन्फ्लुएंस वो चाहेंगे कि तिब्बत में यूज हो, तो इसलिए मेरे ख्याल में उनकी अपनी वल्नरेबिलिटीज हैं, हमारी अपनी वल्नरेबिलिटीज हैं, हमारी अपनी स्ट्रेंथ है। okay. और जब हम लोग अगर एक दूसरे से उन एरियाज में कॉपरेट करेंगे जिसमें हम दोनों की स्ट्रेंथ है, तो थोड़ा सा इसमें बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में कि जो पिछली बार हो गया कि बैनर ड्रिल से काम चल जाएगा, पिछले एक साल में कोई खास टेंशन हुआ नहीं है, तो ये चीज जो है बहुत अच्छी हुई है। और हम देखिए डोकलाम तक रोड बना सके, क्या वहां 40 मिनट रिएक्ट कर सकते हैं। okay. तो ये इसी वजह से हुआ कि हमारी आपस में जो बॉर्डर को हमने क्वाइट रखने की, पीसफुल बॉर्डर रखने की कोशिश की, वो एक बहुत अच्छा, इसी को प्रोग्रेस करने की जरूरत होगी। ठीक है, अगर हम ये उम्मीद ब्रेक के बाद लौटूंगी, तो फिर जब दोनों ही पक्षों की वल्नरेबिलिटीज हैं, दोनों की ही नो कॉम्प्रोमाइज जोन्स हैं, तो फिर ऐसे में पॉइंट्स ऑफ कॉमन कन्वर्जेंस क्या होंगे, चर्चा क्या होगी, चीन क्या अपेक्षा करेगा, चीन क्या चाहता है। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए सवाल भारत का।